तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक ज्यादा यूट्यूब चैनल पर। यदि दोस्तों आप किसी भी बैंक के कस्टमर हैं, यदि इलाहाबाद बैंक के हैं, इंडियन बैंक के साथ मर्ज हुए, यदि आप कैनरा बैंक के हैं, जिस भी बैंक के हैं, सभी लोगों के लिए जो रूल है उसके बारे में हम बताने वाला हूँ कि मिनिमम बैलेंस आपके अकाउंट में कितना मैनेज रख करके रख मतलब रखना चाहिए यदि आपका सेविंग अकाउंट है तो, ठीक है। और यहाँ पे कितना बैलेंस रखेंगे तो आपका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कटेगा, बैंक ने नया नियम बनाया उसके मतलब तहत जो भी अपडेट है इसके बारे में हम इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए कम ऑलरेडी स्टार्ट करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा, यदि चैनल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए चलिए कमांड स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कैसे कैसे क्या है। दोस्तों आपको बता दूं ना, यहां पे बैंक ने मतलब लगभग 6-7 महीने पहले कुछ अपडेट की थी मिनिमम बैलेंस को लेकर कि इतना बैलेंस यदि आप खाते में नहीं रखेंगे तो आपका जितना पैसा रहेगा कटता कटता कट जाएगा, चल जाएगा, एक्स्ट्रा चार्ज हम लोगों से ले लेते हैं पेनाल्टी के तहत, ठीक है। तो दोस्तों हमको कुछ ना कुछ यहाँ पे बैलेंस मैनेज करके रखना होगा, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रामीण वालों के लिए, रूरल के लिए अलग नियम है, अर्बन के लिए अलग नियम है, शहर के लिए लोगों के लिए अलग नियम है, मतलब नगर निगम वालों के लिए अलग नियम है। दूसरा हम बात करेंगे ना यहाँ पे, सबसे पहले ग्रामीण के लिए, ग्रामीण के यदि आप है ना तो आपको क्या करना होगा, कम से कम आपके अपने खाते में 500 रुपए रखना होगा, ठीक है। कोई भी यदि बैंक है ना तो 500 रुपए आपको रखना होगा अपने खाते में कम से कम, वो भी कब, यहाँ पे बाउंडेशन है, यदि आपने चेकबुक अपने बैंक से नहीं लिया है तब कम से कम 500 रखना होगा, ठीक है। यदि आपने चेकबुक ले रखा है और आप गांव से हैं मतलब ग्रामीण से हैं तो आपको अपने खाते में कम से कम 1000 रुपए रखना होगा, यदि आप इससे कम रखते हैं तो बैंक आपसे कुछ ना कुछ चार्ज काटेगी। अगली जो यहाँ पे बात आती है अर्बन के लिए, शहरी के लिए, उन लोगों के लिए ये नियम है, यदि आपने चेकबुक नहीं लिया है तो कम से कम आपके खाते में 1000 रुपए होने चाहिए, यदि आपने चेकबुक इशू करवा लिया, चेकबुक ले लिया है तो मिनिमम बैलेंस 2500 रुपए आपको अपने खाते में मेंटेन रखना होगा, यदि आपका कोई भी बैंक हो, ठीक है, 2500 रुपए मेंटेन करके रखना होगा, नहीं तो बैंक की जो चार्ज होती है अपना चार्ज काटेगी। तो एक कुछ अपडेट थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी थे। यदि आप इसी तरह की और नई नई वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में ना, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय दोस्तों।